ओके गाइस, सो आईडी प्रोग्रामिंग विद C++ का एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है हमारा 20 अप्रैल से। बिल्कुल सही सुना आपने, आईडी प्रोग्रामिंग विद C++ का एक नया बैच फिर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 अप्रैल से। जो लोग पिछले बैच में छूट गए थे या किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए थे या आपने अप्लाई तो करा था बट मैंने सेलेक्ट नहीं करा था, तो आप इस बैच के लिए रेडी हो जाओ। मैं आपको इस बैच में इन करने वाला हूं और ये बैच में क्या क्या चीजें सिखाए जाएंगे, कहां पे क्लासेस चलेंगे, कैसे क्लासेस चलेंगे, कोर्स का फी क्या होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारी की सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पूरा एंड तक अच्छे से वीडियो को देखो, देन इस कोर्स को तुरंत से जाकर ज्वाइन करना क्योंकि सीट लिमिटेड होता है मेरे पास। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं, कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। सो सबसे पहले बात, इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या क्या चीजें आपको यहां पे सीखने को मिलेंगे, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इस पूरे कोर्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीख रहे होंगे, प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे, हार्डवेयर पार्ट पे भी हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे बट हमारा मेन फोकस जो होगा वो प्रोग्रामिंग पार्ट पे होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आप हार्डवेयर वाला पार्ट जो है ना वो कनेक्शन वगैरह तो आराम से कर लेते हो बट आप कोडिंग नहीं कर पाते हो, आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते हो। आप क्या करते हो कि जब कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हो ना तो उस प्रोजेक्ट के लिए कोड जो है वो इंटरनेट से कॉपी पेस्ट मारते हो या फिर आप किसी से कोड करवाते हो। अब उसमें भी क्या दिक्कत है कि अगर मान लो आपको कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन करना है तो आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है। बातें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? या फिर अगर आप मान लो कि आप अपना कोई अच्छे तरीके से, मतलब मान लो कि एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि यार ऐसा ऐसा होना चाहिए जो अभी तक नहीं बनाया, मैं बनाना चाहता हूँ ऐसा कोई चीज, तो फिर आप उसके लिए कोडिंग नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है। बातें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग है ना, आर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग होता है ना वो एक लैंग्वेज में होता है, वो एक भाषा है, जैसे हिंदी इंग्लिश एक भाषा है ना उसी तरीके से एक भाषा है वो, और वो भाषा है C++। बिल्कुल, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे C++ लैंग्वेज को सीखने वाले हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे C++ लैंग्वेज को सीखने वाले एकदम जीरो से। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल, मैं यहाँ पे हर चीज को एकदम जीरो से बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आना चाहिए, बाकी आप मेरे पे छोड़ दो, आप निश्चिंत रहो। मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, मैं हर चीज को बहुत ही डिटेल में एक एक करके हर किसी को समझाने वाला हूं। एक एक करके कहने का मतलब यहां पे क्लासेस जो चलने वाले हैं ना मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाला हूं, मैं आगे बता रहा हूं, जस्ट वेट, ठीक है। लेकिन अभी आप समझ लो कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे, एकदम प्योर C++। जब आप ये C++ सीख रहे होगे ना तो आपको लगेगा भी नहीं कि आप आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीखने आओ, क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले आपको ये लैंग्वेज सिखाऊंगा अच्छे तरीके से, प्योर C++। ओके, हाँ जी बिल्कुल, डिटेल में मैं आगे कंटेंट दे रहा हूं कि C++ के अंदर में क्या क्या चीज सिखा जाएंगे, ऑलमोस्ट सारी चीजें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप C++ सीख जाओगे उसके बाद मैं आपको आर्डिनो प्रोग्रामिंग में ले जाऊंगा और वो सारा का सारा चीज जो हमने C++ में सीखा होगा, जो लैंग्वेज हमने सीखा है, उस लैंग्वेज को हम यहाँ पे आर्डिनो प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल राइट। देन यहाँ पे जब हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो हमारे पास अगर रियल हार्डवेयर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे प्रोटियस को यूज करने वाले हैं। आपको बताना चाहिए कि प्रोटियस एक ऐसा टूल है जहां पे हम सर्किट डिजाइन करके सिमुलेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे प्रोटियस को भी कवर करने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, राइट। एक बात मैं और बताऊंगा कि प्योर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब मैं सिखा रहा हूँ तो आपके पास कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो फोन में भी इसको कर सकते हो, आप लैंग्वेज को आराम से सीख जाओगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। मैंने कहा गारंटी देता हूँ मैं आपको, ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल ना लो। ओके फाइन, तो पहले C++ सीखेंगे, फिर आर्डिनो प्रोग्रामिंग, उसके बाद प्रोटियस, और जब प्रोटियस भी सीख जाएंगे देन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे कुछ एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी आपको बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ। हाँ, इस कोर्स के एंड में आप कुछ एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी बनाने के लिए सीख रहोगे। देखो एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए ना एक्चुअली में जावा या फिर जावास्क्रिप्ट ऐसे लैंग्वेज का हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, मैं कुछ टूल बताऊंगा जहाँ पे आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप चीजें कर सकते हो, तो यार काफी शानदार होने वाला है ये कोर्स कुल मिलाकर के। हमारा मेन फोकस जो होगा वो इस पे होगा, क्योंकि अगर आपने C++ लैंग्वेज सीख लिया ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, C++ के ऊपर। तो जो हमारी जो क्लासेस चलेंगे ना वो सबसे ज्यादा क्लासेस जो चल रहे होंगे वो C++ के ऊपर चल रहे होंगे। बातें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल समझ में आने चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे आर्डिनो प्रोग्रामिंग में, मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखा देता हूँ कि C++ के अंदर में क्या सीखेंगे, आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंदर में क्या सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, राइट, मैंने इस पूरे कोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, लेवल वन लेवल टू, राइट। तो लेवल वन के अंदर में हम सारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे, तो मतलब C++ के अंदर में, ठीक है, ये मैंने जो लिख रखा है ना ये C++ के अंदर में सीखेंगे। मैं कह रहा हूँ ये C++ के अंदर में हम लोग सारी चीज सीखेंगे, हालांकि यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स नहीं लिखे, मैंने मेन टॉपिक लिखा हुआ, यहाँ पे तो बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है।
जैसे कि एरे के अंदर भी बहुत सारे चीज़ें हम लोग देखेंगे, जैसे कि वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, फंक्शन के अंदर में सारे टाइप्स के फंक्शन देखने वाले हैं, राइट। लूप के अंदर में सारे लूप्स को देखने वाले हैं, इफ एल्स मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने एल्स इफ नहीं लिखा हुआ है, वो भी देखने वाले हैं। ऑपरेटर के अंदर में सारे ऑपरेटर्स देखने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ऊप्स भी हम लोग देखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि सी लैंग्वेज में नहीं होता है ना, सी प्लस प्लस में होता है, इसीलिए तो मैंने सी प्लस प्लस को चूज करा है, सी को चूज नहीं करा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऊप्स का भी कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। तो बहुत तरह की चीजें, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत तरह की चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, राइट। तो पहले हम लोग सी प्लस प्लस का सारा फंडा हम लोग देखेंगे, ओके, सी प्लस प्लस का सारा फंडा हम लोग पहले देखेंगे, देन फंडा मतलब पूरा सी प्लस प्लस ही सीखेंगे, मैं कह रहा हूँ ना, पूरा सी प्लस प्लस सीखेंगे, ओके। अच्छे तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं दे रखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे पैटर्न प्रोग्रामिंग वगैरह भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, मजा आ जाएगा, राइट। हाँ, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी बहुत सारे करने वाले हैं, जब मैं सी प्लस प्लस सिखाऊंगा ना तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मैं आपको दूंगा और आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप टेंशन ना लो, मैं पर्सनली गाइड करने वाला हूँ, ओके। लेवल टू में हम लोग कुछ कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पे कोडिंग करने वाले, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कंपोनेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट मैंने इनको इसलिए सेलेक्ट करा हुआ है क्योंकि इसके अंदर जब मैं प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ ना तो वहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें मेंशन कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, वो आपको हेल्प करेगा। बातें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लूटूथ का, डीडीएमएफ का, राइट, मोटर ड्राइवर का हो गया, कीपैड हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे पोटेंशियोमीटर से समझा रहा हूँ, तो उसके अंदर में आप बहुत तरह की चीजें सीखोगे, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये ऊपर ऊपर टॉपिक लिख रखा है, इसके अंदर भी हम लोग जा रहे होंगे, बहुत सारी चीजों को मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि यार ये तो बस एक बहाना है, हमारा जो मेन चीज है ना वो कॉन्सेप्ट सीखना, टॉपिक जो है हमारा जितने भी प्रोग्रामिंग का वो सब सीखना होगा, राइट, ये हमारा मेन फोकस होगा। बातों को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल समझ रहे होगे, ओके। अब कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि क्लास कहाँ पे चलेगा, तो क्लास जो है ना वो हमारा जूम ऐप पे चलेंगे, हाँ बिल्कुल जूम एप्लीकेशन पे चलेगा। देखो क्या होता है ना कि यूट्यूब में अगर आप पढ़ रहे हो किसी चीज को और मान लो कि आपको कोई डाउट आ गया, तो फिर आप क्या करते हो, कमेंट पे चिपका देते हो। अब मैं कमेंट रीड करा कि नहीं करा, या करा भी तो वहां पे जाकर के लिख करके समझाना काफी दिक्कत हो रहा होता है, बात को समझो। यहाँ पे जूम में क्या होगा, आप मेरे से कनेक्ट हो गए, मैं आपको एक आईडी पासवर्ड दूंगा, इस एप्लीकेशन में जाकर के आपको क्या करना है, मेरे से कनेक्ट होना है। मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरा वॉइस आप तक जा रहा होगा, जरूरत पड़े तो मैं कैमरा भी ऑन कर सकता हूँ और आप अपने साइड से भी वो सारी चीजें कर सकते हो। बातें समझ रहा है, मतलब आप भी माइक ऑन कर सकते हो, आप भी कैमरा ऑन कर सकते हो। एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, आपसे मैं पर्सनली पूछूंगा एक एक करके कि आपको कोई डाउट है क्या, अगर कोई डाउट होगा तो आप माइक ऑन करके डाउट बोलोगे और उसी वक्त आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। बातें समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्लास ऐसा लगेगा कि ये ऑनलाइन क्लास नहीं, ये ऑफलाइन क्लास ही है, बस आप घर में बैठे हुए हो, समझ गया ना। हाँ जी बिल्कुल। टाइम क्या होगा, सो टाइम जो है ना वो रात में होंगे, ऐसे इसलिए क्योंकि दिन में ना बहुत सारे लोग काम वाम कर रहे होते हैं, ऑफिस वगैरह का ये होता है, तो आप ना जो क्लासेस जो आपका चलने वाले हैं वो या तो 8 बजे रात में या फिर 9 बजे रात में, हाँ ये दोनों टाइम में से कोई एक टाइम होगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहोगे क्लास जो है वो रात में ही होगा, ठीक है, बहुत ही सही। अगर मान लो किसी दिन आप क्लास नहीं कर पाए या फिर इंटरनेट इशू वगैरह या ऐसा कुछ दिक्कतें जाते हैं, तो किसी वजह से अगर आप क्लास नहीं कर पाते हो या क्लास करते भी हो और बाद में अगर आपको देखने की वापस से जरूरत पड़ जाए, वो क्लासेस का जरूरत पड़ जाए, भूल जाओ कोई चीज, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं रिकॉर्डिंग भी, हाँ पूरे क्लास का रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम में, जो लाइफ टाइम एक्सेस होगा, मतलब आप कभी भी, हाँ मैंने कहा कि आप कभी भी कहीं से भी इस रिकॉर्डिंग को पूरा लाइफ टाइम आप एक्सेस कर सकते हो, आप देख सकते हो। बातें समझ आ रही है क्या? बिल्कुल, हर क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद कोर्स जब आप कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, और एक बात मैं बताऊँ, ये सर्टिफिकेट तो मैटर नहीं करेगा, आपको नॉलेज मैटर करना चाहिए, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सर्टिफिकेट आप लेके क्या करोगे, ये बस पेपर एक कहीं नहीं मांगता है, बात को समझो। अगर आप रेज्यूमे में बस लिख दो कि आर्डुइनो प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस मुझे आता है, तो वो एनफ होगा, बस वो नॉलेज चेक कर रहे होंगे, वो सर्टिफिकेट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जरा ध्यान से सुनना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ उतनी चीज़ें तो मैंने YouTube में भी पढ़ा रखा है। सही बात है, मैंने YouTube में भी पढ़ा रखा है C++ पूरा पूरा, अब जाकर देख लो, मैंने Python भी पढ़ा रखा है, मैंने JavaScript भी पढ़ा रखा है, मैंने बहुत सारी चीज़ YouTube में पढ़ा रखा है, बट यहाँ पे मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाला हूँ, पर्सनली ट्रेन करने वाला हूँ। यहाँ पे ना जो YouTube में जो मैंने वीडियो बनाकर डाला है ना, उसमें एनफ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस नहीं है, है ना, बात को समझो। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस करवाऊंगा, हर टॉपिक के बाद आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे, समझ गया ना। तो यहाँ पे कह सकते हो कि मैं आपको पर्सनली ट्रेंड करने वाला हूँ, मैटर समझ आ गया मैं क्या बोला? हाँ बिल्कुल। कोर्स कितने दिन चलेंगे, मान के चलो आप 45 दिन, 30 दिन तो हमारा पूरा का पूरा सी प्लस प्लस ही चलेगा, पूरा का पूरा हम प्योर सी प्लस प्लस ही सीख रहे होंगे,
और बाकी के 15 दिन जो है हम एडिनो प्रोग्रामिंग में जाएंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कर रहे होंगे। बातें समझ आ रहा है क्या? आप टेंशन ना लो, मैंने जितना चीज कमिट करा हुआ है वो सारे का सारी चीज मैं पूरा करूंगा। एक आध दो दिन और बढ़ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? हाँ जी बिल्कुल। तो 45 दिन का ये पूरा पूरा क्लास होगा। कोर्स का फी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले क्या होता था ना कि मैंने पहले C++ सिखाता था तो लोग 2000 पहले दे देते हैं, उसके बाद मैं एडिनो प्रोग्रामिंग सिखाता था 2000 और देते थे, तो टोटल कितना हो जाता था 4000। मैटर समझ आ रहा है क्या? अब ये आपको नहीं लगने वाला है, आप सिर्फ और सिर्फ 2000 पेड करोगे। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ आप 2000 पेड करोगे, आपको ये पूरा का पूरा चीज मिलने वाला है। मैटर समझ आ गया क्या? अब मैं बता रहा हूँ सीट लिमिटेड है। मैंने कहा ना कि मैं 50-60 स्टूडेंट ऐसे तो लेने नहीं जा रहा हूँ, समझ लो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं उतने ही स्टूडेंट्स लेता हूँ जितनों को मैं पर्सनली गाइड कर पाता हूँ। व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी बनेगा, वहां पे भी आप चैट वगैरह कर सकते हो, राइट? तो पहले आपको ये कोर्स फी पेमेंट करने पड़ेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। एक फॉर्म आपको मिलेगा, अभी एक फॉर्म आपको मिलेगा, आपको क्या करना है उसको सीधा सीधा भर देने, सारे इन्फॉर्मेशन डाल करके उसके बाद मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा और फिर आपको पेमेंट वगैरह कहाँ पे करना है वो आपको बता दिया जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे का प्रोसेस बाद में, पहले ये फॉर्म आप भर दो फटाफट से, जल्दी जल्दी, लेट मत करना। ओके बाय।